केंद्र सरकार को दालों की तरह ही सरसों के बीजों का भी बफर स्टॉक तैयार करना चाहिए और कम से कम 2.5 मिलियन टन तक बफर स्टॉक तैयार किया जाना चाहिए ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके और खाना पकाने में काम आने वाले तेलों का निर्यात कम किया जा सके। सरकार से यह मांग सेंटर फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड COOIT ने की है। बफर स्टॉक के प्रस्तावित निर्माण के लिए खरीद फसल के मौसम की शुरुआत में बाजार कीमतों पर की जानी चाहिए, जिससे ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स साल भर अपना संचालन जारी रख सकेंगी। वनस्पति तेलों के लिए सर्वोच्च संस्था COOIT चाहती है कि सरकार कच्चे खाद्य तेलों एवं रिफाइंड खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी के बीच के अंतर को दूर करे। भारत ने अक्टूबर में समाप्त होने वाले तेल विपणन वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सबसे अधिक 1.17 लाख करोड़ के खाद्य तेलों का आयात किया। इसकी वजह दुनिया भर में कीमतों में बढ़ोतरी होना थी। COOIT के अनुसार समय आ गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें तेल बीजों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दें। COOIT का कहना है कि सरकार आगामी बजट में एक समर्पित योजना लेकर आए जिसके द्वारा किसानों को विभिन्न तेल बीजों जैसे कि सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी की बुवाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उचित आवंटन निर्धारित किया जाए। अगस्त 2021 में सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम को लॉन्च किया था, जिसके तहत पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय आउटलेट तय किया गया था। इसी तरह ही पहले सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी की जानी चाहिए। सरकार सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। इस साल सरसों की बुवाई के क्षेत्र में 25% तक बढ़ोतरी का अनुमान है और उम्मीद की जा रही है कि सरसों का उत्पादन भी 110 लाख टन तक पहुंच जाएगा। अगर सरकार सरसों के लिए 25 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार कर लेती है तो इससे सरसों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सरसों की कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव आने पर भी कीमतें स्थिर बनी रहेंगी, जैसे कि साल 2021 के दौरान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।